बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां के वन मंत्री यूं तो हमेशा ही नक्सलियों के टारगेट में रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है वो बेहद ही सनसनीखेज है। विस्फोटक के साथ गिरफ्तार एक नक्सली कमांडर ने खुलासा किया है कि सेंट्रल कमेटी ने एक बाकायदा इसके लिए अपने कैडर को महेश गागड़ा की सुपारी दे दी है। नक्सली कमांडर मदेड़ के LGS का डिप्टी कमांडर है, जिसे गुरुवार को डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में नक्सली कमांडर राकेश सोढ़ी ने खुलासा किया है कि नक्सलियों ने अपने हिट लिस्ट में गागड़ा को सबसे ऊपर रखा है। बकायदा सेंट्रल कमेटी ने अपने कैडर को महेश गागड़ा को मारने के आदेश भी जारी किए हैं। राकेश सोढ़ी ने नक्सलियों और नेताओं की मिलीभगत का भी खुलासा किया। सोढ़ी के मुताबिक कुछ कांग्रेस नेता नक्सलियों से लगातार मिलते रहते हैं। क्षेत्र के लिए काम करता हूँ, क्षेत्र की जनता के लिए काम करता हूँ और बेहतर जो विकास है उसके लिए काम करता हूँ। वहाँ युवाओं के लिए, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, चाहे इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, मेडिकल में क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए। इस क्षेत्र से अगर किसी को बुरा लगता है, दुश्मनी मोल लेते हैं, तो मुझे मंजूर है और मैं बेहतर काम करते रहूँगा।